जमीन प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत दिख रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सरकार द्वारा कुछ समय पहले किए गए बदलाव की प्रक्रिया देखने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को सेक्टर 12 स्थित करनाल लघु सचिवालय की तहसील का दौरा किया। इस दौरान रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी निकलवाने से लेकर अपॉइंटमेंट लेकर रजिस्ट्री करवाने तक की सारी जानकारी ली। उपमंडलाधीश करनाल आयुष सिन्हा, डीआरओ सुरेश कुमार व तहसीलदार राज बख्श इस मौके पर मौजूद रहे। उपायुक्त सबसे पहले तहसील के सरल केंद्र में गए, सॉफ्टवेयर पर काम करते डीलिंग क्लर्क से संवाद करते सवालों के जवाब लिए। इसके बाद रजिस्ट्री क्लर्क के कक्ष में जाकर उससे भी जानकारी ली। कक्ष में रखे वर्षों पुराने रिकॉर्ड को देखकर उपायुक्त ने कहा कि इसे लेकर बैठने इत्यादि की दिक्कत जरूर होगी, जल्द ही इसका समाधान करेंगे। यहां से पुराने रिकॉर्ड को सामने की बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। कक्ष में मौजूद बाबुओं ने रिकॉर्ड को लेकर उपायुक्त को अपनी दिक्कत बताई। इसके पश्चात उपायुक्त ने टीआरए ब्रांच का दौरा किया और वहां मौजूद सहायक से अभियाना की वसूली को लेकर जानकारी ली। तत्पश्चात तहसीलदार कार्यालय में कुछ देर बैठकर तहसीलदार और डीआरओ से राजस्व संबंधी कारगुजारी को लेकर गुफ्तगू की। उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से रजिस्ट्री के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता रहे और समयबद्ध तरीके से काम हो, लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उपायुक्त ने बताया कि जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। इच्छुक व्यक्ति तहसील में आकर पहले जमाबंदी निकलवाएगा। डीसी ने बताया कि सॉफ्टवेयर को चलाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि अर्बन एरिया में प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए नगर निगम से नो ड्यूज यानी कोई देय नहीं प्रमाण पत्र ऑनलाइन लेना पड़ता है। प्लॉट से बड़ी जगह के लिए डीटीपी कार्यालय में जाकर एनओसी लेनी होती है। इसके पश्चात रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति स्टाम्प पेपर खरीदेगा, साथ साथ रजिस्ट्री फीस का चालान भी करवाएगा जो ई ग्रॉस पोर्टल से हो जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट राइटर के पास जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो हैरिस सॉफ्टवेयर में हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में पिछले कुछ महीनों में परिवर्तन किए हैं, तो उसकी जानकारी लेने के लिए और वो प्रक्रिया देखने के लिए तहसील का दौरा किया हमने, और इसमें अभी कुछ खामियां भी हैं पोर्टल पे, वो हम उच्च अधिकारियों के नॉलेज में लेकर के आएंगे। और हमारा सरकार का जैसा पूरा प्रयास है कि पूरा काम पारदर्शिता से हो और समयबद्ध तरीके से हो, तो इसके लिए चाहे नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट आने की बात हो या डीटीपी से एनओसी आने की बात हो, ये सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन कर दी गई हैं ताकि नागरिकों को किसी भी वजह से ऑफिसर्स के चक्कर ना लगाने पड़े और घर बैठ करके अपॉइंटमेंट ले सकें, नो ड्यूज ले सकें और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की एनओसी ले सकें, और जिस समय उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए उस समय वो यहाँ करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.